शांति। आज है दो अक्टूबर गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है विशेष दिन भारत के इतिहास का है परंतु हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन विशेष है क्योंकि हम सब में सर्व विशेषताएं भरने वाला बेहद का बापू जी शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर हमें खास ईश्वरीय दिव्य अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं और हमें भी अपने समान बना रहे हैं दुनिया में तो सत्य और अहिंसा का पाठ बापू गांधी जी ने सबको सिखाया परंतु खुद सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा हमारे भीतर से असत्यता को खत्म कर हमें सत्य स्वरूप बना रहे हैं सतयुग में ले जा रहे हैं आज की मुरली हमारे भीतर की इस सत्यता को उजागर कर रही है कैसे हम अपने मन को बुद्धि को हृदय को शुद्ध बनाए स्वच्छ बनाए वो विधि सिखा रही है सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य आज है दो अक्टूबर 2024 बाबा के महावाक्य है मीठे बच्चे याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा चाहते हैं ना हम भी साक्षात्कार मूर्त बन जाएं तो विधि क्या है याद में रहकर हर कर्म करो प्रश्न है संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध यानी पवित्र बना सकते हो उत्तर है याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ हृदय तो शुद्ध हो जाएगा संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता हम्म सबको कदर है ब्रह्मा भोजन का पर तो निशानी क्या है जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं एक एक कणे की वैल्यू करते हैं महिमा भी बहुत है याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है हृदय शुद्ध हो जाता है तो कहीं कहते हैं ना कि क्या करे बुद्धि में बहुत सारी व्यर्थ की बातें आती हैं ठीक है योग नहीं लगा सकते याद में रह कर भोजन खाओ और खिलाओ और बनाओ देखो आंतरिक शुद्धिकरण होता जाएगा ओम शांति संगम पर ही बाप आते हैं रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो क्यों कहते हैं बाबा ऐसे बच्चों को यह या याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है आत्माओं को पढ़ाते हैं सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है हम बाहर में सर्विस कैसे करें बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं चित्र हाथ में हो रघुनाथ का काला चित्र भी हो गोरा भी हो श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो काला भी हो भल छोटे चित्र ही हो श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं दिखाते हैं ना छोटा सा श्री कृष्ण तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है जबकि असुल गोरा था तो यह है सर्विस की युक्तियाँ वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं परंतु इनको काला क्यों बनाया है यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है प्रतीकात्मक है आत्मा गोरी और काली होती है बाकी ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण कभी काला होता है नहीं यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है जब से कामचिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है जगतनाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं बोलो हम श्रीनाथ के चौरासी जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं भाइयों और बहनों आकर सुनो ऐसा भाषण और कोई तो कर ना सके किसी को पता ही नहीं है चौरासी जन्मों का तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं हरेक को पावन से पतित जरूर बनना है देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं उल्टे रास्ते पर गए हैं विकारों में गिरे हैं तब उन्हें काला बनाया है कामचिता पर बैठने से आयरनेजड बन जाते हैं आयरन का कलर काला होता है सोने का गोल्डन उनको कहेंगे गोरे वही फिर चौरासी जन्मों के बाद काले बनते हैं सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो दिखाने के लिए कि कैसे आत्मा गोरे से काली बनती है और फिर काले से गोरी बनती है सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सके अच्छी रीति और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन सीढ़ी का जो चित्र है उस पर लिखा है ना भारत के उत्थान और पतन की कहानी बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए समझाना है इस यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है एग्जैक्टली exactly, कैसे फिरता है वो समझाना है कैसे गोल्डन एज सिल्वर एज कॉपर एज फिर आयरन के बाद फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है भल बहुत चित्र नहीं उठाओ सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए क्योंकि सीढ़ी का चित्र भारत के ऊपर ही है तुम समझा सकते हो अब फिर से पति से पावन तुम कैसे बन सकते हो नीचे गिर गए पतित बन गए अब पावन कैसे बन सकते हो पतित पावन तो एक ही बाप है उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है एक सेकंड में बाबा को पहचाना और जीवन मुक्ति के हकदार बन गए तुम बच्चों में यह सारा ज्ञान है बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना? देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है देवताएं सतयुग त्रेता में मनुष्य द्वापर कलयुग में बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें ये सारी बाबा ने सर्विस की युक्तियां बताई हैं वह भी बाप समझाते रहते हैं सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में ही रहो शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है जिसमानी विद्या भी पढ़नी है बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए हम औरों का कल्याण कैसे करें यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने किस लिए आते हैं मधुबन में बाबा की मुरली सुनने इसमें ही जादू है बाप को जादूगर कहते हैं ना? शिव बाबा का एक नाम जादूगर है रत्नागर है सौदागर है गाते भी है मुरली तेरी में है जादू इस ज्ञान में ऐसा जादू है मनुज को देवता बना देता है दुखी को सुखी बना देता है आत्मा के अंतर की सब इच्छाओं की पूर्ति कर देता है तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है मनुष्य से देवता बन जाते हैं ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के गायन भी है इस पर क्या गायन है गुरु ग्रंथ साहब में मनुष्य से देवता किए करतना लागीवार पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है पुरानी का विनाश भी जरूर होना है इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है अभी तुम बच्चे समझते हो चौरासी जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए पूरे हो गए एक से चौरासी फिर दोबारा वन क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है सतयुक्त रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर न एज इट इज रिपीट होती है साइकिल तुम यहां बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है क्या याद रहे कि हम वापस जाते हैं परमधाम फिर सतुप्रधान देवी देवता बनते हैं उनको देवता कहा जाता है अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है तो हम संगम पर हैं अभी हम पुरुषार्थ करके देवता बन रहे हैं लेकिन अभी यहाँ कलयुग में किसी में भी दैवी गुण नहीं है कंट्रास्ट है पूरा तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो कितना भी धंधा आदि हो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है इसमें मुख्य बात है पवित्रता की प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पैरिटी है कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहां नहीं रह सकते क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है, है ना इम्प्योर बॉडी में प्योर आत्मा नहीं रह सकती वह तो इम्प्योर है ना तो बाबा कहते हैं पांच तत्व ही इम्प्योर हैं शरीर भी इनसे ही बनता है पांच तत्वों से इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है शरीर को क्या कहते हैं मिट्टी का पुतला मिट्टी है मिट्टी में मिल जाने है पांच तत्वों का शरीर एक खत्म होता है दूसरा बनता है आत्मा तो है ही आत्मा कोई बनने की चीज नहीं है वो तो रेडीमेड है शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है कितने ऑर्गेन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है यह दुनिया ही वंडरफुल है कैसे छोटी सी आत्मा बॉडी में आती है बड़ी हो जाती है फिर निकल जाती है ये सारी वंडरफुल बातें सबसे वंडरफुल कौन है सबसे वंडरफुल है बाप जो आत्माओं का परिचय देते हैं सोचो जो चक्र में आते ही नहीं है वो चक्र में आने वाली सब आत्माओं के बारे में सब कुछ जानते हैं हम आत्मा कितनी छोटी है आत्मा प्रवेश करती है हर एक चीज वंडरफुल है जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं वंडर है ना आत्मा तो सब में वही छोटी है हाथी कितना बड़ा है हम्म और उनमें आत्मा उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है है ना वंडरफुल बात बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं मनुष्य कितने जन्म लेते हैं चौरासी लाख जन्म तो है नहीं समझाया है जितने धर्म हैं उतनी वैरायटी बनती है हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है वंडर है ना? फिर जब चक्र रिपीट होता है हर जन्म में फीचर्स नाम रूप आदि बदल जाते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा नहीं यहाँ किसकी बात है देह की बात ही नहीं है आत्मा की बात है नहीं उनकी आत्मा पहले गोरी थी फिर चौरासी जन्म लेते लेते काली बनती है और तुम्हारी भी आत्मा भिन्न-भिन्न फीचर्स भिन्न-भिन्न शरीर लेकर पाट बजाती है ये भी ड्रामा है देह का बदलना अलग अलग नाम मिलना रूप मिलना देश मिलना ड्रामा है तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए है कोई टेंशन किसी को ना कोई फिक्र है सब एक्टर्स हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पाठ बजाना ही है हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है हर एक संबंध बदल जाता है अलग जन्म अलग माता पिता बंधु सखा तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है आत्मा ही चौरासी जन्म लेते लेते तम प्रधान बनी है अब फिर आत्मा को सतु प्रधान बनना है पावन तो जरूर बनना है पावन सृष्टि थी अब पतित है फिर पावन होनी है सतु प्रधान, तमु प्रधान अक्षर तो है ना सतु प्रधान सृष्टि फिर क्या सतो रजो तमो सृष्टि अभी जो तमु प्रधान बने हैं वही फिर सतुप्रधान कैसे बने हुँ? पतित से पावन कैसे बने बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे बरसात से तो मनुष्य का मौत भी हो जाता है अतिवृष्टि होती है ना तो क्या होता है कई बार कई जगह बाढ़ें आ जाती हैं कितना नुकसान हो जाता है मनुष्य मर भी जाते हैं तो बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है फ्लड्स हो जाती हैं, तो कितने डूब जाते हैं अभी बाप समझाते रहते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे केवल एक खंड रहेगा नेचुरल कैलमिटीज भी मदद देंगी कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं फ्लड्स आती हैं तो बह जाते हैं ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं वह तो शरीर चला जाता है शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है यहाँ बात हो रही है आत्मा की शरीर तो ऑटोमेटिकली आपको जैसी आत्मा है वैसा मिल जाएगा पावन बनना है आत्मा को सुपतित पावन तो एक बाप है भल वह जगत गुरु कहलाते हैं परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना वह तो एक ही बाप सदगति दाता है बाप सतगुरु ही सदगति देते हैं बाप समझाते तो बहुत रहते हैं यह भी सुनते हैं ना? गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए तो यहाँ भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आजू बाजू बैठे हैं यह भी उनके बाजू में बैठता है बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना अब दो इंसान इकट्ठे बैठते हैं तो ऐसे तो नहीं एक ही बोलता जाएगा दूसरा भी थोड़ा थोड़ा बोलेगा ऐसे दो आत्मा एक शरीर में बैठी हैं, तो कभी शिव बाबा यूज कर लेती है उसी मुख को तो कभी ब्रह्मा बाबा भी यूज कर लेते हैं तो बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं तो यह भी तो समझाते होंगे ना इसलिए शास्त्रों में इसका क्या गायन है इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर वन में जाता है शंकर के लिए तो कहते हैं क्या कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते हैं फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए है ना गुरु को तो क्या कहते हैं नजरों से निहाल करो है ना कहते नज़र से निहाल किंदा स्वामी सत तो फिर वो तो गुरु नहीं हुए ना फिर भी बाप कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो कई बच्चे कहते हैं इतने धंधा धोरी की फिक्रात में रहते हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें इतना कारोबार है टाइम ही नहीं मिलता ऐसे बोलते हैं ना बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कहे याद करते हो ना याद तब करते हो जब कोई दुख होता है मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो ताकि अंत मते सुगति हो जाए बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं जिसे तुम ज्ञान का दान देते हो वह फिर कहते राम बोलो राम बोलो तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो वह तो शिव को जानते ही नहीं ऐसे राम राम कह देते हैं अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो जबकि परमात्मा सब में है अगर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है आत्मा ही परमात्मा है सब जगह है तो फिर किसको बुलाना है है ना जब अपने अंदर ही है वो तो बुलाना किसको है किसको याद करना है याद तो किसी सेकेंडरी चीज को किया जाता है ना खुद को छोड़ना किया जाता है तो वही बाबा कह रहे हैं कि अब यह भी क्यों कहो कहते हैं कि राम कहो जबकि परमात्मा सब में है बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता उन्हें देवता कहा जाता है उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं हर एक चीज़ की कला कम तो होती ही है क्वालिटी डाउन होती है ना कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है तो बाप इतनी बातें समझाते हैं फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों अपने को आत्मा समझो सिमर सिमर सुख पाओ कहते ना कल है कलेश मिटे सब तन के जीवन मुक्ति फल पाओ यहाँ तो दुख धाम है बाप को और वर्षे को याद करो याद करते करते अथाह सुख पाएंगे कल कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे तुम तो इक्कीस जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो कल कलेश मिटे सब तन के जीवन मुक्ति पद पाओ तो ये कब होता है जब हम सिमर सिमर सुख पाते हैं गाते हैं परंतु तो एक्ट में नहीं आते हैं है ना तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी वो बस गाते हैं सिमरते नहीं हैं जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे अभी हम प्रैक्टिकल में बाबा को याद करते हैं और याद करने से हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाते हैं सुखी हो जाएंगे मुचरा खाकर मानी टुकड़ खाना यानी सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है है ना सजाएं खाकर छोटा सा पद मिल गया तो क्या फायदा सबको ताजी रोटी पसंद आती है आजकल तो तेल ही चलता है वहाँ तो घी की नदियाँ बहती हैं तो बच्चों को बाप का मरण करना है इम्पॉर्टेंट है याद बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाप को याद करो नहीं चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है नौकरी आदि भी करनी है बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं आत्मा में ही सारा पाठ नूंधा हुआ है जो इमर्ज होता है इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है बाप समझाते हैं खाना बनाओ मिठाई बनाओ शिव बाबा को याद करते रहो तो कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है जो भी आपको काम मिला है जो भी सेवा मिली है वो करते हुए याद करो शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा भले मुख से कुछ नहीं बोलो याद में रहकर बनाओ कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का श्री कृष्ण का शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं ब्रह्मा है कहाँ पूछ रहे हैं बाबा ब्रह्मा कहाँ है ब्रह्मा है यहां मधुबन में ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, है ना क्योंकि साकार मुरली है तो बाबा क्लियर कट के बताते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा यहाँ है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी यहाँ हैं और उनका नाम प्रचलित है बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं वह मुख से राम राम बोलते हैं तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं मन में क्या रहे किसके लिए भोजन बना रहे बच्चों के लिए पति के लिए नहीं शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है उस भोजन में ताकत हो जाती है इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो लिखा हुआ भी है शिव बाबा याद है याद में रहकर बनाएंगे तो क्या होगा तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी हृदय शुद्ध होगा ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं यह भी शास्त्रों में है हमने नहीं बोला ये शास्त्रों में लिखा है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से क्या होता है बुद्धि शुद्ध हो जाती है ताकत रहती है ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है थाली धोकर भी पी लेते हैं बहुत ऊंच समझते हैं भोजन बगैर तो रह ना सके फैमिन में भोजन बगैर मर जाते हैं कहीं पर फैमिन होता है अकाल पड़ जाता है तो खाने के बगैर मर जाते हैं अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना यह बहुत स्वादिष्ट है ताकत वाला है तो स्वाद आ तो जबान पर रहा है पर ले कौन रही है आत्मा आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना तुम हो पियर घर वाले कहाँ जाते हो जाते हो ससुर घर सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं भोग ले जाते हैं देवताओं को भोग लगाते हैं ना सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं तुम ब्राह्मण वहां जाते हो कहाँ यह महफिल कहां लगती है जहां ब्राह्मण भी मिलते हैं और देवता भी मिलते हैं है ना वो है सूक्ष्म वतन देवताएं आते हैं तुम ब्राह्मण वहां जाते हो वहाँ महफिल लगती है सूक्ष्म अच्छा, अच्छा।, अच्छा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं दूसरा जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है मुख से कुछ भी बोलना नहीं है भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है वरदान है स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भाव आज का वरदान क्रोध मुक्त भाव। परंतु जब क्रोध का अंश और वंश भी ना रहे ना तब कहेंगे क्रोध मुक्त और वो कौन है स्वार्थ है ईर्ष्या है चिड़चिड़ापन है कोई भी विचार भले दो सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है हमारी इच्छा थी पूरी नहीं हुई तो चिड़चिड़ापन आता है लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो स्वार्थ रख कर नहीं मैंने कहा तो होना ही चाहिए कहते हैं ना मैंने कहा है ना तो होना ही चाहिए मैंने कहा तो होना ही चाहिए यह नहीं सोचो ऑफ़र करो क्यों क्या नहीं आओ अपनी बात रखो विचार रखो मना नहीं है परंतु उसमें मोह ना हो उसमें स्वार्थ ना हो उसमें लगाव ना हो कि अगर कोई विचार को ना माने तो हम चिड़चिड़े हो जाएं गुस्सा आ जाए नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते हैं स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है अब इससे भी मुक्त बनो बहुत हो गया अब इससे मुक्त बनो आज का स्लोगन है शांति दूत बन सबको शांति देना शांति दूत बन सबको शांति देना यही आपका ऑक्यूपेशन है ठीक है ना सबको शांति देना तो आज हम सभी सारे दिन विशेष क्या होमवर्क करेंगे पांच स्वरूपों के ड्रिल करेंगे आत्मा कैसे परम धाम से नीचे सतयुग से त्रेता फिर द्वापर में पूज्य स्वरूप में आई और उसके बाद संगम पर ब्राह्मण और फिर फरिश्ता बनकर दिन और रात का ये चक्र पूरा करती है कैसे सीढ़ी में ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम ये ड्रिल सारे दिन बार बार करेंगे अच्छा ओम शांति सखा ही तो एक हमारे हो शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन के तार तुमसे मिल रहे अपार तुमसे दुनिया से दूर का तुम मुझे ले आए हो कांटों से दूर फूलों की मुझे बिठाए हो किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है तार तुमसे शक्तियाँ मिल रहे अपार तुमसे भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले हाय जीवन में तुमसे ओ बाबा